तो भाई जो है ट्रैक्टर स्वराज 744 XT जो भाई के 8 फीट रूटर बैठे परम। बाकी भाई आवाज भी तगड़ी प्यारी है भाई ट्रैक्टर की। तो भाई राम राम जी सबने NDR वर्ल्ड ब्लॉग यूट्यूब चैनल ना सब भी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आए हूँ कुछ खास की वीडियो बनाने, मतलब आज है एक ट्रैक्टर जिसकी वीडियो बनाने, और जो आपने देख रखा होगा पहले हमारे वीडियो में जिसकी अपनी एक नया ट्रैक्टर लेके आए थे स्वराज 744 XT हाई लो मीडियम में, तो भाई आज उसी की वीडियो बनाने हैं। तो भाई चलते हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। तो भाई जो है ट्रैक्टर स्वराज 744 XT जो भाई के 8 फीट रूटर वेटर परम कंपनी के रूटर वेटर पर चल रहा है, और ट्रैक्टर भाई 50 HP कैटेगरी में आवा है 744 XT जो देख रखे होगा आपने। भाई डीजल कैसा खाता है, लोड कैसा ले रहा है, वो सब आपने इस वीडियो में बता देंगे आपने। पहले पूछते हैं भाई कौन से गियर में चल रहा है। एक मिनट भाई, यो देख सको भाई लोड पूरा लीवर डाउन करके भी दिखावेंगे आपने कैसा चलता है, लोड कैसा ले रहा है भाई। बाकी भाई स्वराज है काफी बढ़िया चलता है, और ऐसे ना भाई मुश्किल था भी 15-20 दिन भी ना हुए इस ट्रैक्टर ने बस टेप वेप करा रखा है ब्लैक वाला। तो बाकी भाई ट्रैक्टर कैसा चल रहा है ये चीज़ आपको कमेंट में बताना हमें। बाकी 8 फीट का रूटा बटर जो कि भाई 60 HP तो ऊपर के ट्रैक्टर में चल रहा करता है। तो भाई सबसे पहली बात तो यो है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो ने लाइक कर देना, नए और चैनल पर नए हो भाई कोई भी तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो अब आप खतर बनाते रहेंगे। और भाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई। नाम क्या है अपना? छोटू। अच्छा तो कितने दिन हो ली ट्रैक्टर ना भाई? एक महीना से। एक महीना? अभी एक महीना की तो होया, अभी तो मुश्किल तो 15 दिन हुए इसने। तो अब कौन से गियर में चल रहा है? हाई लो मीडियम। अब कौन से में चल रहा है रूटर बटर में? दूसरे के मीडियम में। मीडियम में। तो अभी भाई पूछते हैं अपने भाई से भी। बाकी आप पहले जोर चेक कर लो ट्रैक्टर का कैसा चल रहा है, और दोनों लीवर डाउन करके भी चलवा के दिखाएंगे आपने। बाकी भाई 8 फीट का रूटा बट रहा है जो कि 60 HP तो ऊपर के ट्रैक्टर पे चल रहा करता है 60 HP का, लेकिन अब ये 50 HP पे चल रहा है 744 XT हाई लो मीडियम में। जो देख सको मट्टी भाई पूरी बारीक करके चल रहा है, जब परम कंपनी का 8 फीट का रूटा बैठ रहा है। यो ना भाई के ऊपर ऊपर चल रहा है भाई, नीचे लगा कर चल रहा है ढंगता है। अब मट्टी भी देख सको बारीक है, और गहराई कितनी ले रहा है मैं यो अपना दिखाना हूँ भाई। भाई 10-11 इंच की गहराई ले रहा है पूरी भाई, और हम तो किमें दिक्कत ना है। यो भाई का एक और खड़ा है 960 और दूसरा 744 हाई लो मीडियम, जो कि भाई बड़ी HP होने के बावजूद भी छोटी HP चला रखे है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है इस वजह से, और नया ट्रैक्टर है मुश्किल ही भाई 15-20 दिन हुए इसने। बाकी भाई जोर चेक करो ट्रैक्टर आवाज भी कोने बदलता, बड़ी प्यारी उसकी आवाज है ट्रैक्टर की। बस भाई लाते ही लाते ना इसकी टेप वेप करा रखी है समय ट्रैक्टर पे। बाकी अपने भाई तो लास्ट में वीडियो में पूछेंगे भाई एवरेज कैसा देता है, घंटे में कितने बीघा जमीन काट दे है।
बाकी भाई ट्रैक्टर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि भाई ट्रैक्टर से कभी दब ना रहा, जोर भी काफी तगड़े लगा रहा है। और 8 फीट का रूटावेटर भाई कम से कम इसने 55 और 60 HP पूरी चाहिए इसके खातर। लेकिन यह स्वराज है न्यू मॉडल, जो कि 744 स्वराज कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। XT मॉडल है, हाई लो मीडियम में ले रखा है। चेक करो भाई, पावर चेक करो ना भाई, रूटावेटर में कोई आवाज है ना कोई ट्रैक्टर में कोई फालतू आवाज है। समय काफी बढ़िया चल रहा है भाई, कहते ही एक नंबर है। भाई अभी ट्रैक्टर रुकता है, उस तब पूछेंगे भाई कौन से गियर में चल रहा है। बाकी भाई मैंने तो पूरा पूरा लाग रहा हमारे सामने चल रहा है ट्रैक्टर, कहते ही एक नंबर चल रहा है। बाकी आप कमेंट में बताना भाई ट्रैक्टर कैसा है, जोर किसे लगा रहा है, जो चीज आप बताना। और सबसे बड़ी बात तो यो है भाई, 50-55 HP मतलब इस पर ना जोर कंपट जा है रूटावेटर पे, क्यों भाई माटी भी बारीक करनी है और जगह भी काफ़ी लेके जानी है, टाइम भी बचाना है। यो हाई लो मीडियम में है, इस वजह से भाई काफ़ी बढ़िया चल रहा है साची में। चेक करो आप साउंड, चेक करो भाई ट्रैक्टर की आवाज़ को नहीं बदलता कतई भी। अरे अपना ये को यो 60 HP खड़ा है और यो 50 HP खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने ना 50 HP चला रखा है और क्यूकर चला रखा है। यो चीज भी अपने अपने भाई तो बुझ के बतावेंगे इसका कोई कौन सा भी तो रीजन होएगा। झूठ ला दिया भाई मैड के मित्र, चल दिया भाई कि मैं फर्क को नहीं ना आवाज बदलता कत भी और ना कि मैं और दिक्कत रहा भाई, बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। बाकी भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना भाई। और भी अब अपने भाई तो पूछते हैं वीडियो में बताने लग जा फिर भाई मारे अड़े नू हो यार के जिस पूछ ले ना किसते भी तो घने कम लोग बताए करें वीडियो के सामने, सब ने शर्म लाग गया करे। भाई न्यू मॉडल की ना कत आवाज तो घनी प्यारी यार साची में, बढ़िया है ट्रैक्टर। बाकी भाई जोर तो आप देख ही सको वीडियो में किसा लगा रहा है, बाकी और पूछते हैं अपने भाई तय ये ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर चलाने में कौन सा फायदा है बेनिफिट है, क्यों भाई डीजल कितना ले रहा है बीघे में, क्यों हमारे अड्डा ना किले का तो कोई लोड को नहीं है भाई, हमारे अड्डा बस बीघे का हिसाब लगा कर रहे हैं। बस मैं अपने बता दूँ 5 बीघे का एक किला होगा है हमारे अड्डा, एक मिनट रोक दिए घड़ी। देख सको भाई चेक करो आप, बंद करो एक बार बंद करो इसे ना, रोक दो इंजन स्टॉप करो बंद करो। हाँ जी सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। मनीष कुमार। और कहाँ से हो? मौसम अतरौली। हाँ जी तो अभी आप स्वराज 744 XT चला रहे हो और खड़ा तो बराबर में 960 भी है, तो इससे पे क्यों चला रखे आयो 8 फिट? इस पे सही है, मतलब उससे बढ़िया चल रहा है या कैसा चल रहा है? बताई बढ़िया कर रहा है उससे, मतलब कम टाइम में ज्यादा कर दे है उससे ज्यादा। और डीजल वीजल कैसा ले रहा है? तो सही ले रहा है। और जोर उससे लगाने में मतलब कितना डिफरेंस है, उससे ज्यादा है या कम है?
बराबर सही है जोर लगाने में, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अभी कौन से गियर में चला रखा था आपने? मीडियम के पहले में। तो जुताई कैसे करता है, मतलब टाइम मैम कुछ कम तो ना लगाता? मतलब ना एचपी 50 HP ना, है, ऐसे कुछ ना। मतलब बढ़िया चलता वो है? 14 पे चलता है तो ये 17 पे चलता है। अच्छा, बस तो मतलब 200, मतलब 200 RPM का थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ बाकी ट्रैक्टर में कोई शिकायत तो ना ना, चलने में? कुछ ना, कोई शिकायत नहीं। बाकी टाइम तो कम हो जा है। टाइम तो हो रहा है। डीजल कितना मार रहा होगा घंटे में? घंटे में ना बीघे का हाँ, बीघे में, हाँ बीघे में कितना दे रहा है? 900 ग्राम। बाकी भाई 60 HP हो रहे हैं, वो कम से कम 1 लीटर तो एक ऊपर जाए लीटर हैं। तो भाई ठीक है, फिर चलाओ अब। बाकी भाई आवाज भी तगड़ी प्यारी है भाई ट्रैक्टर की। एक मिनट रुक, मैं ऊपर आ जाऊं। कौन से गियर में चल रहा है? मीडियम के पहले में। टक्कर तो काफी बढ़िया है आगे, 60 HP और अपर भाग रहा पूरा। देखो तो भाई काफी बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है। तो ट्रैक्टर ने लिए हुए कितने टाइम हो लिया? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन होएंगे, 15-20। अभी महीना भी ना गुजरा भाई, और ट्रैक्टर भाई वो टेप टेप ला रखा काफी बढ़िया लग रहा है इसका। पर कंपनी का तो पूरा लुक चेंज कर रखा, कंपनी तो हटके अलग हो गया पूरा। भाई वीडियो कैसी लागे अपने वीडियो कमेंट में बता देना, और बोर कैसे लगा रहा है वो भी बताना भाई। चक्कर भी काफी बढ़िया है यो ना भाई के, और रूटावेटर के चक्कर कम आ रहे हैं भाई, मट्टी पूरी फूट गिर रहा है। तो आप देख सको कितना बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है। फिर भी दबाई करता, हल्की सी आवाज चेंज हो रहा है, बाकी बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। चेक करो भाई, या परम कंपनी का 8 फीट का रूटा बैठा भाई। बाकी अभी भाई तो बात करी, भाई ने पूरा पूरा डिटेल बता दिया, टाइम भी ना लगा करता, और डीजल भी बता दिया भाई ने, सारा कुछ बता रखा। चल रहे एक किसान भाई के द्वारा अगर बात कर ले भाई तो एक यो खड़ा है भाई। तो भाई देखिए आपने ट्रैक्टर कैसा चल रहा था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो आप खतर बनाते रहेंगे, अगर चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल ना भाई सब्सक्राइब कर देना।
बाकी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के राम राम। और भाई कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना भाई।